हेलो एंड वेलकम टू रेमेडियल मैथमेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2 के बारे में, जो आपके पॉइंटेबल चैप्टर चल रहा था हमारा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx plus c equal to मिलेगा 0। एक आपके पास इक्वेशन लिखी है, ये अपने आप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके हमने क्या किया, लेट अल्फा एंड बीटा आर द क्या जीरोस जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिख सकता हूँ। ठीक है, फ्री एक्स हमने कह दिया अल्फा और बीटा क्या है, इसके दो जीरोस हैं। दो जीरोस क्यों हुआ, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके दो ही जीरोस आएंगे, क्यूबिक इक्वेशन होंगे तो उसके तीन जीरो आएंगे। ठीक है, जितनी पावर की इक्वेशन होती है उसके उतने ही जीरोस आएंगे आपके। तो हमने कह दिया अल्फा एंड बीटा आर द टू जीरोस ऑफ दिस इक्वेशन। तो पहली कंडीशन ये पहला जो रिलेशन है आपका वो है कि सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू, यानी कि तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू तुम्हारा माइनस बी अपॉन ए, या माइनस बी को हम लिख सकते हैं, माइनस बी होता क्या है वो देखना। माइनस बी जो या बी बी जो है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड ए क्या है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमेशा हमारा ये रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ठीक, अब ऐसे ही दूसरा रिलेशन है, दूसरा रिलेशन जो है वो है आपका कि प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू, या फिर मैं कह सकता हूं कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना होगा सी अपॉन ए। सी यानी कि तुम्हारा कॉन्स्टेंट आ गया, कॉन्स्टेंट टर्म, और ए, ए क्या है तुम्हारा फिर वही चीज कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप ये रिलेशन याद रखोगे कि पहला रिलेशन क्या है कि उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो जीरो आएंगे उन दोनों का सम हमेशा माइनस टाइम बी अपॉन ए, यानी कि बी अपॉन ए के इक्वल होगा। और दूसरी चीज क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू वो सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो आपका ये रिलेशन। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की जगह हम क्या करेंगे, बात एक क्यूबिक इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, पहले से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। वैसे आपके कोर्स में नहीं है लेकिन फिर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो देखो क्या होगा, हमने एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है क्यूबिक इक्वेशन की, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर क्यूब। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी इक्वल टू, इसको जीरो बोल दिया, जीरो नहीं बोलोगे चल जाएगा। तो सबसे पहले आपका क्या होता है, फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन होती है, फर्स्ट रिलेशन होगा वो क्या होगा, उसमें हमने बोला सेम चीज कि सम, हम यहाँ पहले बोले थे क्यूबिक इक्वेशन है तो हम तीन वो कंसिडर करते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोस, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल यानी कि तुम्हारा पी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें हमने कहा फर्स्ट रिलेशन क्या आएगा, हमने कहा सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द, सम ऑफ द जीरोस यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना होगा आपका, माइनस कितना, माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन कितना ए। तो इसमें लिखेंगे बी के लिए हम कि कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ किसका है बी, एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहां आ जाएगा आपका कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब।
तो पहला रिलेशन तो आपका ये हो गया कि सम ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी क्या है, बी है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और जो ए है वो कोफिशियंट ऑफ किसका है, एक्स क्यूब है। ठीक, अब तीसरी की बात करते हैं हम, दूसरी की सॉरी, ये आपका सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम, यानी कि मैंने कह दिया अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा आपका, दूसरा लिखा मैंने बी अपॉन ए था माइनस, और फिर प्लस सी अपॉन ए हो जाएगा। सी क्या है आपका, कोफिशियंट ऑफ एक्स, एंड ए कितना हो गया आपका फिर अगेन कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है ना, चलो हमें सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टू एट अ टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब थर्ड वाले की बात करते हैं अगर हम, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि तुम्हारा कितना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों का प्रोडक्ट। ठीक है, यहां टू टाइम्स टू एट अ टाइम था, तो तीनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा आपका, लास्ट माइनस डी अपॉन ए। अब अगर आप इसको देखोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, कोफिशियंट ऑफ सॉरी क्या आ जाएगा, डी, डी तो आपका क्या है कॉन्स्टेंट टर्म आएगा आपका। ठीक है, डी क्या आएगा आपका, कॉन्स्टेंट हो गया आपका, और नीचे आ जाएगा आपका कोफिशियंट ऑफ व्हाट एक्स क्यूब। ठीक, तो ये तुम्हारा रिलेशन आ गया किसमें, क्यूबिक इक्वेशन और इसमें। अब ऐसे कोर्स में नहीं है, अगर ऐसी तुम्हारा फोर्थ पावर यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके कोर्स था तो उसमें फिर तुम्हारा ये भी आता और साथ में अभी प्रोडक्ट सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एट अ टू एट अ टाइम है ना, दो दो एक साथ लिए है, उसमें तीन तीन एक साथ वाले भी आ जाएंगे आपके। ठीक, तो अब देखो एक्सरसाइज की बात करते हैं, 2.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक्सरसाइज आपके 2.2 और इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसमें आपको निकालना है कि जीरो से पॉलीनोमियल निकालना है आपको, और दूसरी चीज ये करनी है कि इसका रिलेशन जो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट था उसको वेरीफाई करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले इक्वेशन में आप क्या निकालोगे, जीरोस निकालोगे। जीरोस कैसे निकालोगे, आप फैक्टर मेथड जो होती है आपकी ये मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करोगे। हमने कहा कि सबसे पहले तो इस 8 को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए, मतलब इसके ऐसे फैक्टर, इस 8 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करके 8 आना चाहिए, सबट्रैक्ट या ऐड करके कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। हमने कह दिया 8 ले लिया आपने, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो हमने एक ये ले लिया आपका 4 और एक ले लिया 2, 4 2 जा 8 होता है, 4 माइनस 2 कितना होता है, 2 होता है। तो हम इसमें से लिखेंगे, हमने इसको इक्वल टू 0 भी कर लिया, हमने लिखा इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हमने 4 माइनस 2, एक्स बाहर से आया आपका इक्वल टू कितना 0। फिर हमने लिखा इसको एक्स माइनस अंदर मल्टीप्लाई करा माइनस 4, और ये एक्स भी मल्टीप्लाई हुआ इससे तो माइनस 4x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 इनटू एक्स और माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया 0। वैसे आई होप ये सभी को आता होगा, 9th में हमने पढ़े हैं कि मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं। फिर हमने कहा एक्स स्क्वायर और यहाँ एक्स है 4x, एक्स कॉमन आ गया आपका, यहाँ बचेगा एक्स माइनस 4 और प्लस 2 कॉमन आ जाएगा और एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। ठीक है, फिर इसके बाद भी कर लोगे x माइनस 4 आपका पूरे से कॉमन आ गया आपका और अंदर बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। एक बार आप x माइनस 4 इक्वल टू 0 कर लो और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपका 4 और x इक्वल टू आ गया आपके पास माइनस 2। ठीक है, तो हमने कह दिया जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल क्या आ गया आपकी, यार हमने कह दिया जीरोस
ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल इज 4 and -2। ठीक हो गया, कितना हो गया 4 and -2 हो गया। अब हम सबसे पहले इसमें कहते हैं कि लेट अल्फा इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास बीटा, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू, एक को 4 कंसीडर कर लेते हैं और हमने कह दिया एंड बीटा इक्वल टू कह दिया, एक को हमने कंसीडर कर लिया -2। अब अल्फा किसी को भी बोल सकते हो, बीटा किसी को भी। हमने बोला कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। ठीक है, हमने कहा जीरोस की तरह 4 और -2 आया था, उसको एक को बोल दिया हमने अल्फा और एक को बोल दिया हमने कितना माइनस सॉरी बीटा इक्वल टू कितना -2, एक बार बोल दिया अल्फा इक्वल टू 4। अब हम बात करेंगे इसमें, ठीक है, अब ये तो आपके जीरोस निकल गए, आपको निकालना रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस। ठीक है, तो सबसे पहले आप इस इक्वेशन को किससे कंपेयर कर लोगे, हमने कहा स्टैंडर्ड इक्वेशन ax2 + bx + c = 0। तो a इक्वल टू कितना हो गया आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, व्हाट इज a कितना 1, कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया b के प्लेस पर -2, तो b इक्वल टू हो गया -2। एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा कोफिशिएंट जो भी लोगे आप विद माइनस साइन लोगे, ठीक है, हमेशा साइन भी आएगा उसका। एंड c इक्वल टू कितना हो गया आपका -8। ठीक है, अब फर्स्ट की बात करते हैं, फर्स्ट रिलेशन आपको क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो हमें फर्स्ट रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अब हम क्या लेके चलेंगे, सबसे पहले हम कहेंगे कि एलएचएस वाला पार्ट ले लिया आपने, ये हो गया आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आपके पास हमने कहा 4, बीटा कितना है -2, तो ये हो गया 4 + -2, तो कितना आ गया आपका 2 आ जाएगा। ऐसे हमने कहा आरएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं, आरएचएस कितना है -b/a, तो कितना हो गया -b, बी कितना आपके पास -2 है, तो क्या हो गया -2 पुट कर लोगे -2 और अपॉन में a, a कितना आपके पास 1, तो ये कितना आ गया 2। अब अगर आप देखोगे कि LHS भी 2 आया है, RHS भी 2 आया है, तो हम क्या लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS और वेरीफाइड, तो ये प्रॉपर्टी तो वेरीफाइड होगी, कौन सा है फर्स्ट वाला। अब हमने कहा दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी आपके पास कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, तो LHS इसमें भी ले लोगे आप अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है आपके पास 4 है, बीटा कितना है -2, रख लो इसमें 4 × -2 कितना आ जाएगा -8। ऐसे हमने कहा RHS लेते हैं राइट हैंड साइड, तो कितना है c/a, तो c कितना आपके पास -8 और a कितना है 1, c इक्वल कितना था -8 और a इक्वल कितना हो गया आपका 1, तो ये भी कितना आ गया आपके यहाँ -8 आ गया। तो हमने कह दिया LHS इक्वल टू RHS और ये भी हमने कह दिया हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो आगे आवाज समझ में, अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट 4s² - 4s + 1। ठीक है, इक्वल टू हमने इसको भी जीरो बोल दिया। अब 4 × 1 यानी कि 4, तो 4 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करके भी 4 आना चाहिए और सबट्रैक्ट करके भी कितना आना चाहिए 4, तो सिंपल सा होता है 2 × 2। तो हमने इसको लिख लिया 4s² बल्कि माइनस था यहाँ पर साइन, तो माइनस अंदर कितना हो जाएगा 2 + 2 और s + 1 इक्वल टू कितना 0, तो ये हो जाएगा आपका 4s² - 2s - 2s + 1 इक्वल टू 0। तो कॉमन कितना आएगा इसमें से 2s कॉमन आ गया, यहां बचेगा आपका 2 और इसमें बच गया 1s। ठीक हो गया, s² था, इसकी पावर 1 बचेगा -1 और माइनस की मेरे को कुछ कॉमन गया तो 1 कॉमन हो गया, -1 कॉमन आया तो अंदर बचेगा कितना 2s और साइन चेंज हो जाएगा माइनस का 1 और इक्वल टू कितना 0, तो पूरे से कितना कॉमन आ गया 2s - 1 और अंदर बच गया आपका 2s, यहाँ कितना बचा -1 इक्वल टू 0। तो एक बार पहले वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 कर लो, एक बार दूसरे वाले फैक्टर को इक्वल टू 0 कर लो, तो यहां से कितना आएगा आपका 2s = 1, यहां से भी आपका 2s = 1, तो यहां से आ गया s = 1/2 और यहां से भी आ गया s = 1/2। ठीक है, तो दोनों से सेम आंसर आए, इसका हमने कह दिया कि जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल पी एक्स लिखते सीधे इज 1/2 एंड 1/2। तो हमने कह दिया लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 एंड बीटा इक्वल टू भी हमने 1/2 कंसीडर कर लिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद हमने क्या करना है, जीरो तो निकल गए, आपको रिलेशन निकालना है। तो फिर सेम चीज कैसे करोगे, हमने इस इक्वेशन को कंपेयर करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो ए इक्वल टू कितना है आपके पास, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बट यहाँ एस में लिखी इक्वेशन, ये चीज ध्यान रखना। तो हम इसको एक्स ना लिख कर हम इसको लिखते हैं एस, और यहाँ भी लिखते हैं कितना एस, ठीक। तो कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4, और बी इक्वल टू कितना हो जाएगा -4, और सी इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 1। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्या था फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी, कि LHS, सॉरी क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो आपने ले लिया LHS कितना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बीटा आप जो हमने कंसिडर कर रहे हैं 1/2 प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2 तो कितना आ गया 2/2, यानी कि कितना हो गया 1। फिर हमने ये RHS ले लेते हैं, RHS कितना होगा आपका माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, बी कितना है आपके पास माइनस का 4, तो कितना आ जाएगा आपका माइनस का 4 और अपॉन ए, ए कितना है 4, तो ये हो जाएगा आपका 4/4, ये कट गया आपको कितना आ गया 1। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका LHS इक्वल टू RHS, तो हमने कह दिया हैंस वेरीफाइड, ठीक है। फिर ऐसी हम दूसरी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे इसकी, क्या था आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना सी अपॉन ए, तो ये हो जाएगा आपको कितना LHS लोगे आप इसमें भी, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा बीटा कितने हैं आपके पास जो हमने कंसिडर करे हैं 1/2 × 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 × 1/2 इक्वल टू 1/4। फिर हमने कहा LHS के बाद हम लेते हैं RHS, ये हो गया आपका सी अपॉन ए, वट इज सी, सी इज माइनस सॉरी 1 एंड ए कितना आपके पास 4, तो कितना आ गया आपका 1/4। तो यहाँ पर भी आपका LHS इक्वल टू कितना हो गया RHS, हमने कह दिया हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट, अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या दिया है आपको 6x² - 3x - 7x, ठीक है, थर्ड पार्ट आपका आपका रन। तो सबसे पहले इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 6x² - 7x पहले लिखते हैं, फिर -3 और इक्वल टू में दिया 0, 6 3 = 18, 6 इधर 3 से मल्टीप्लाई आएगा, 6 3 = 18, 18 के ऐसे फैक्टर की मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, सबट्रैक्ट ऐड करके 7 आना चाहिए। हमने कह दिया 3 6 = 18, 3 3 = 6 और 2 बन गया, तो 3 3 = 9, तो ये तो 9 हो गया और इंटू 2, 9 2 = 18, 9 - 2 = 7, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 6x² - 9 - 2 और बाहर से x - 3 = 0, तो ये आ जाएगा 6x² - 9x + 2x - 3 = 0। कॉमन कितना आएगा, 3 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो 3 2 = 6x - 3 2 = 9 प्लस 1, कुछ कॉमन नहीं आया तो 1 ले लिया आपने, तो इक्वल टू 0, ठीक। तो यहां हो जाएगा आपका 2x - 3 और अंदर बचेगा आपका 3x, कितना बचेगा आपके पास 3x + 1 = 0, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3 = 0 कर लो एक बार 3x + 1 = 0, तो यहां से आ जाएगा 2x = 3, देन x = 3/2 और यहां से आ जाएगा आपका 3x = -1, That means x = -1/3। तो आपके ये दो जीरोस निकल गए हैं, हमने कह दिया जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल या पी एक्स इज क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखो या पॉलीनोमियल लिखो एक ही बात है, इज 3/2 एंड -1/3। हमने कह दिया लेट एक को अल्फा मान लिया, अल्फा इज इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू -1/3। अब अल्फा बीटा किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक। फिर हमने कहा इसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा। तो वेरीफाई कैसे करोगे आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे, हम एक कौन सी इक्वेशन से करेंगे कंपेयर, इसको हम इसको कंपेयर करेंगे हम ए एक्स स्क्वायर प्लस
डी एक्स और प्लस सी इक्वल टू जीरो, किस इक्वेशन को, इसको, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना हो गया आपके पास सिक्स, b इक्वल टू हो गया माइनस सेवन और c इक्वल टू हो गया माइनस थ्री, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो आप एल एच एस ले लोगे एल एच एस, ठीक है, सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं इसके बाद के, तो देखो कैसे होंगे। एल एच एस कितना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, हमने कहा थ्री अपॉन टू, तो थ्री अपॉन टू प्लस माइनस वन अपॉन टू, तो यह हो जाएगा आपका सॉरी माइनस वन अपॉन थ्री। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, कितना आएगा तुम्हारा थ्री अपॉन टू और माइनस वन अपॉन थ्री, ऐसे मिलेंगे इसमें कितना आएगा सिक्स, ये नाइन माइनस टू, तो ये आ जाएगा आपका कितना सेवन अपॉन सिक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा सेवन अपॉन सिक्स। अब बात करते हैं इसके आर एच एस की, आर एच एस में कितना है माइनस बी अपॉन ए, अब इसकी बात करो माइनस बी कितना आपके पास माइनस सेवन और ये कितना आपके पास सिक्स, तो ये भी कितना आ गया आपका सेवन अपॉन सिक्स आ गया। तो हमने कह दिया एल एच एस इक्वल टू कितना आ गया आपका आर एच एस, तो हमने कह दिया हैंस वेरीफाई, हैंस वेरीफाइड। अब हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है आपके पास कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सॉरी कितना सी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना सी अपॉन ए होती है, तो हमने कह दिया एल एच एस निकालो आप, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका थ्री बाई टू इंटू माइनस वन अपॉन थ्री, इसे थ्री कैंसिल हो जाएगा, यह आ गया माइनस वन अपॉन टू। फिर हमने कहा आर एच एस निकालो आप, आर एच एस कितना होगा आपका सी अपॉन ए, वट इज सी, सी इज माइनस थ्री और ए कितना आपके पास सिक्स, तो ये थ्री टू सिक्स, तो ये कितना आ गया आपका माइनस वन अपॉन टू। हमने कह दिया एल एच एस, एल एच एस इक्वल टू कितना आर एच एस, तो हमने कह दिया हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ है, फोर यू स्क्वायर प्लस एट यू, इसमें कॉन्स्टेंट टर्म गिवन नहीं है आपको, ठीक है, तो आपने इसको इक्वल टू जीरो कर लिया, इन दोनों कॉमन कितना आ गया आपका फोर यू कॉमन आ गया, तो अंदर बचेगा यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो एक बार आप कर लोगे फोर यू इक्वल टू जीरो और एक बार बोलोगे आप यू प्लस टू इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा आपका यू इक्वल टू जीरो और यहां से आ जाएगा यू इक्वल टू माइनस टू, तो हमने कह दिया zeros of the polynomial px is 0 and minus 2, तो हमने कह दिया let alpha equal to 0 and beta equal to कितना minus 2, ठीक। अब फिर वही सेम चीज, इसको किससे कंपेयर करोगे आप, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड, हमने कह दिया a x square ना लिखकर हम लिखते हैं u square plus b u और plus c equal to 0, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन हुई। तो a इक्वल टू कितना हो गया आपके पास 4 और कोफिशिएंट ऑफ u कितना हो गया आपके पास b इक्वल टू 8 और c पार्ट इसमें नहीं है, c इक्वल टू कितना हो गया फिर 0, ठीक। पहले कंडीशन क्या थी आपका, पहला रिजल्ट था कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होता आपका माइनस b अपॉन a, तो सम हमने कहा LHS लेते हैं, LHS कितना हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा कितना है 0 बीटा कितना है माइनस 2, तो 0 प्लस माइनस टू कितना हो जाएगा आपका माइनस टू। ऐसे हम बात करते हैं इसके आर एच एस की, आर एच एस में कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी, बी कितना है आपके पास 8, तो 8 हो गया और अपॉन में कितना हो गया 4, तो ये आ गया आपका कितना माइनस का 2, तो हमने कह दिया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस और दिस इंप्लाइज दैट हैंस वेरीफाइड, ठीक है। फिर हम दूसरी की बात करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, क्या है दूसरी प्रॉपर्टी कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो आपने कहा एल एच एस ले लो, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, सेम क्वेश्चन सारे एल एच एस ले लो, एल एच एस में कितना आ जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू अल्फा कितना हो गया 0 इंटू बीटा कितना हो गया आपके पास माइनस 2, तो इट इज 0 एंड आर एच एस इज सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी, व्हाट इज सी, सी इज 0, 0 अपॉन 4 कितना आ जाएगा 0, तो हमने कह दिया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हैंस वेरीफाइड, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू जीरो। तो इसे कैसे करोगे, इसको ऐसे कर लो कि टी स्क्वायर माइनस 15 को कैसे, तो आप रूट 15 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू कितना, जीरो। ये आ गया आपका, फिर कितना हो जाएगा आपका t प्लस रूट 15 इक्वल टू जीरो एंड t माइनस रूट 15 इक्वल टू जीरो। तो एक आ जाएगा आपका t इक्वल टू माइनस रूट 15 और एक आ गया t इक्वल टू आपका प्लस का रूट 15। तो हमने कह दिया जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल px इज माइनस रूट 15 एंड प्लस रूट 15। फिर हमने कह दिया लेट अल्फा इज इक्वल टू, एक को हमने बोल दिया अल्फा और एक को मैंने बोल दिया बीटा, ठीक है। फिर नॉर्मल चीज इससे कंपेयर करोगे इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, ये टी के फॉर्म में इक्वेशन। तो हमने कह दिया ए टी स्क्वायर माइनस बी टी सॉरी प्लस बी टी और प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो कोफिशियंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है, वन। कोफिशियंट ऑफ टी कितना है, नहीं है वहां जीरो। अब कॉन्स्टेंट ऑफ सी कितना है आपके पास, माइनस 15, कितना है माइनस 15। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो हमने के लिए एलएचएस लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा कितना है माइनस रूट 15 और ये प्लस रूट 15। तो ये आ जाएगा आपका माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 इक्वल टू कितना, जीरो। ऐसे हमने कह दिया आरएचएस लेते हैं हम, तो आरएचएस कितना अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा में अल्फा कितना हो जाएगा आपका, इतना आ जाएगा सॉरी आरएचएस में क्या हो गया माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो कितना आ जाएगा माइनस बी माइनस जीरो और अपॉन ए कितना हो जाएगा वन, तो ये भी जीरो। तो हमने कह दिया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। ऐसे ही दूसरे वाले में हमने कह दिया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना सी अपॉन ए, तो एलएचएस ले लो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू अल्फा कितना हो गया रूट 15 माइनस का होगी माइनस रूट 15 इंटू दूसरा रूट 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका माइनस का 15, ठीक है। ऐसे आप क्या ले लो सी अपॉन ए यानी कि आरएचएस वाला पार्ट, तो सी अपॉन ए ये हो जाएगा सी, सी कितना आपके पास रूट माइनस 15 सॉरी माइनस 15 अपॉन कितना वन, तो ये भी माइनस 15 आ गया। तो हमने कह दिया एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो हमने कह दिया हैंस वेरीफाइड, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, अब आपका नेक्स्ट पार्ट सिक्स्थ पार्ट, इसमें बोला है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले बात तो आपका 3 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 3 4 12, 12 का ऐसे फैक्टर 2 6 2 3 3 1। तो 4 एक साथ ले लो 4 × 3, 4 3 12, 4 − 3 का आएगा 1, यानी कि मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, सबट्रैक्ट ऐड करेंगे तो आंसर 1 आना चाहिए। तो हमने लिख दिया इसको 3x² माइनस 4 − 3 एक्स माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x कॉमन आ जाएगा आपका 3x माइनस 4 और प्लस 1 कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 4 इक्वल टू कितना 0, देन 3x माइनस 4 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू कितना 0, देन x इज इक्वल टू 4 अपॉन 3 और x इक्वल टू कितना आ गया माइनस 1। तो ये जीरोस निकल गए, तो हमने कह दिया जीरोस of the px यानी कि polynomial is 4 upon 0 of the polynomial r कितना 4 upon 3 and minus 1, ठीक। फिर हमने कह दिया let alpha equal to 4 upon 3 and beta is equal to minus 1, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फिर comparison करेंगे, sorry रिलेशन वेरीफाई करना हमने, तो हाँ ठीक है कंपेयरिंग करने पहले अब हमने कह दिया इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हियर इट इज ए इक्वल टू कितना 3, बी इक्वल टू कितना माइनस 1 एंड सी इक्वल टू कितना माइनस 4, ठीक है।
तो आप सबसे पहले क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन निकालोगे। फर्स्ट इक्वेशन क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, देन एलएचएस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा, व्हाट इज अल्फा, 4 अपॉन 3 एंड बीटा इज माइनस 1, देन 4 अपॉन 3 माइनस प्लस कितना माइनस 1, तो 4 अपॉन एलसीएम लेंगे 3 तो माइनस 3 कितना आ जाएगा आपका 1 अपॉन 3। ठीक है, कैलकुलेशन देख लें एक बार। ठीक है, then RHS is minus B upon A, then minus B, what is B, minus 1 and A is 3, then it is 1 upon 3, then LHS equal to RHS, then second property is alpha into beta equal to C upon A, so first of all आप क्या लोगे LHS, तो LHS equal to alpha into beta is equal to alpha, what is alpha, 4 upon 3 and minus 1 is equal to minus 4 upon 3, then RHS, RHS equal to C upon A is equal to, what is C, C is minus 4 upon A is 3, then it is also equal, तो हमने कह दिया LHS equal to RHS, hence verified। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दिया है 1 अपॉन 4 कॉमा माइनस 1, यानी कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, तो फर्स्ट कैसे करेंगे, आपको देखा सम ऑफ जीरोस यानी कि तुम्हारा कितना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे रखा है आपको कितना 1 अपॉन 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये अल्फा बीटा इक्वल टू रहेगा माइनस वन। ठीक है, आपको एक निकालनी है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी कि किस क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस हैं, आपको अल्फा प्लस बीटा दिया था, अल्फा इनटू बीटा आपको रहेगा माइनस वन। तो हमने क्या किया, लेट क्या कहा हमने, लेट लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आपको देखा अल्फा प्लस बीटा, इसी इक्वेशन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, ध्यान से देखना, इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो गया आपका ए और प्लस बी एक्स अपॉन ए और प्लस सी अपॉन कितना ए इक्वल टू कितना जीरो। अब अगर मैं इसको भी चेंज करके ऐसे लिख लो कितना, कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए एक्स और प्लस कितना सी अपॉन ए इक्वल टू जीरो, तो इसी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ जीरोस कितना होता है माइनस बी अपॉन ए होता है, और ये कितना होता है सी अपॉन ए, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स, और इसको लिख सकता हूं कितना मैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो ये अनदर इक्वेशन ऑफ पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है ये, क्या है आपकी, ये भी अपने आप में क्या क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा आपका, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस अल्फा प्लस कितना दिया आपको 1 अपॉन 4 इनटू कितना एक्स और प्लस ये कितना आ जाएगा आपका माइनस 1 इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो या 4 एलसीएम मिलते हैं, तो 4 एलसीएम आ गया आपका कितना आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर और माइनस एक्स और कितना माइनस इक्वल टू जीरो, तो ये आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी क्या आगे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आगे जो आपको क्या निकालना था जिसके जीरोस, जिसके सम ऑफ जीरोस दे रखा था आपका 1 अपॉन 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया था माइनस 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दिया आपका रूट टू और 1 अपॉन 3, रूट टू और 1 अपॉन 3 ये फर्स्ट था आपका, तो मैं इसको इरेज करता हूं। ठीक, तो अब है सेकंड क्वेश्चन आपका, सेकंड पार्ट इसका, सेकंड का, तो रूट टू और 1 अपॉन 3 सम ऑफ जीरोस कितना लिखा रूट टू और ये कितना लिखा आपका 1 अपॉन 3, तो हमने क्या किया लेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। वैल्यू पुट कर दो इसमें,
तो कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, कितना है रूट टू, रूट टू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो गया वन अपॉन थ्री इक्वल टू जीरो। थ्री से मल्टीप्लाई एलसीएम ले लो थ्री इसमें, तो थ्री एलसीएम आ गया, तो थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करोगे इस थ्री को यहां डिवाइड, यहां मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आ गया आपका थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिलहाल, ठीक है। अब बात करेंगे हम इसके बाद थर्ड पार्ट की इसकी, तो देखो हो गया स्क्रीनशॉट लेना है इसका। अब देखो थर्ड वाले में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें बोला जीरो और रूट फाइव, सम ऑफ जीरो से लिखा आपको जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से लिखा आपको रूट फाइव। तो हमने कह दिया फिर से लेट द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल या पी एक्स इज कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। आप डायरेक्ट एज इट इज ऐसे ही सॉल्यूशन कर सकते हैं एग्जाम में भी। तो कितना हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है आपका जीरो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया रूट फाइव इक्वल टू जीरो। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट फाइव इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल कर आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है आपका फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। उतारते भी रहना करते भी रहो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर कौन सा काम है फोर्थ, तो फोर्थ में देखो क्या बोला है वन कॉमा वन दे रखा है, तो सम ऑफ जीरो वन एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना कि आपको सम ऑफ जीरो दे रखे या जीरो दे रखे, कभी कभी हमको अल्फा और बीटा की वैल्यू दी होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, ध्यान रखना। तो वन और वन दे रखा है, तो हमने फिर कह दिया द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स इज कितना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू एक्स जीरो। सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो और अल्फा इंटू बीटा की, तो कितना आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो आपकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की। फिफ्थ में आपको दिया है माइनस वन कॉमा फोर, सॉरी माइनस वन अपॉन फोर कॉमा वन अपॉन फोर, ठीक। तो अब है क्वेश्चन नंबर कौन सा काम है फिफ्थ है, तो सम ऑफ द जीरोस कितना मिल रहा है आपको माइनस वन अपॉन फोर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी दे रहा है कितना वन अपॉन फोर। तो ये हो जाएगा फिर से लेट द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो क्या करोगे एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस वन अपॉन फोर, तो माइनस वन अपॉन फोर इंटू एक्स प्लस कितना वन अपॉन फोर इक्वल टू जीरो। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन फोर एक्स प्लस वन अपॉन फोर इक्वल टू जीरो। अब इस पूरे में फोर एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा आपका फोर एलसीएम आ जाएगा, तो कितना आएगा ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये आ जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का वन इक्वल टू जीरो। तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिलहाल ही निकल के इस बार के लिए फिफ्थ आ जाएगा। अब इसी का लास्ट क्वेश्चन है, देखो लास्ट वाला में क्या करना है, लास्ट वाला क्या आपका सिक्स वाला, इसमें दिया है आपको फोर कॉमा वन यानी कि सम ऑफ जीरो से फोर एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो से वन। तो सिक्स पार्ट है इसका, इसमें देखा सम ऑफ जीरोस इज फोर एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज वन, देन लेट द क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पी एक्स इज
व्हाट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये क्वेश्चन याद करना, ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है जब आपको सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आपके पास 4, 4x और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 1 इक्वल टू कितना 0। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक। ठीक है,